यहाँ से नाग नदी तक कई ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में नागपुर वासियों ने सुना है। अब इंटरमॉडल स्टेशन को ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में बात करते हुए पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि हम IMS के विरोधी नहीं है, लेकिन उसके लिए हजारों पेड़ों की बलि देने वाले अजनी को ही क्यों चुना गया है, ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया। वही उन्होंने विपरीत सुझाव के बारे में भी जानकारी साझा की। वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता शरद पालीवाल और अनुसया काले छाबरानी ने शुक्रवार को अजनी वन में प्रस्तावित IMS परियोजना के संबंध में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में 30 से अधिक पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अजनी वन को बचाने की भूमिका प्रस्तुत की। इस दौरान बात करते हुए प्राची माहुरकर और माधुरी कानेतकर ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अजनी की सिर्फ 44 एकड़ में 56 देशी और 30 से 35 विदेशी प्रजातियों के हजारों पेड़ है, इसलिए यह क्षेत्र वन में शामिल है, इसलिए पूरे क्षेत्र में पेड़ों की गिनती की जाए, ऐसी उन्होंने मांग की। माझं नाव अनुसया काळे छाबरानी आहे आणि अजनी वनची जी मूवमेंट आहे ती आपण सुरू केलेली आहे। आमचं म्हणणं हे आहे की अजनीमध्ये नको, स्वप्न आहे IMSचं पण ते अजनीतच हवं हे जरुरी नाही आहे। आम्ही काही ऑल्टरनेटिव्ह साईट्सची स्टडी पण केलेली आहे, त्याच्याबद्दल बोलणं गरजेचं आहे। आमची मागणी ही आहे की हा प्रकल्प जो 490 एकराचा आहे त्याची झाडं पूर्ण एका पूर्ण ह्याच्यामध्ये मोजले जावे, एका टप्प्यामध्ये नाही, कारण आता जो शासनाचा नियम आहे, नवीन कानून आहे, त्याच्यामध्ये सांगितलं जातं आहे की पार्ट प्रोजेक्ट्समध्ये तुम्ही ते झाडं मोजू शकत नाही। दुसरं आहे हेरिटेज ट्रीज, तर मोठ्या प्रमाणामध्ये 490 एकरमध्ये ते हेरिटेज ट्रीज आहेत, तर ते हेरिटेज ट्रीज किती आहेत हे एकदा सेन्सस झाल्यावरतीच कळेल। तोपर्यंत तरी हा प्रकल्प तिथे बिलकुल म्हणजे हातही नाही लावला पाहिजे आणि जे ऑल्टरनेटिव्ह साईट्स आहेत त्याला एक्सप्लोर करणं हे गरजेचं आहे। तर स्वप्न आहे, आमचंही स्वप्न आहे विकासाचं, पण ऑल्टरनेटिव्ह साईट्स आणि हट्टाचा विकास आम्हाला नको। सर, आम्ही जी स्टडी केली आहे ती खापरीची आहे, कारण खापरीमध्ये आम्ही जाऊन जे काय पाहिलं आणि मिहान करता जे काय बघितलं त्या हिशोबाने खापरीला, पण ऑल्टरनेटिव्ह अजून 4-5 साईट्स पण आहे। गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन सक्षम आहे, जर विचार मांडायची वेळ आली तर आम्ही बसून आमचे जितके एक्सपर्ट्स आहेत त्यांच्यासोबत बसून विचार करू शकतो। वासुदेव मिश्रा इस युवा कार्यकर्ता ने IMS में शुरू से ही चल रही अनियमितताओं पर प्रकाश डाला। राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू में कहा था कि 1940 पेड़ थे, सर्वेक्षण से पता चला कि 44 एकड़ में 6953 पेड़ थे। NHAI ने केवल 44 एकड़ का प्रस्ताव रखा है, लेकिन रेलवे और रेलवे भूमि का विकास प्राधिकरण के साथ उनके MU में 446 एकड़ परियोजना का व्यावसायिक उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए मिश्रा ने सवाल किया कि NHAI ने पूरी परियोजना के लिए कभी प्रस्ताव क्यों नहीं दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।